हेलो नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में आपका फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आइए आज आपको दिखाते हैं कच्चे केले का चिप्स कैसे बनाते हैं और बहुत ही जल्दी 5 मिनट में तैयार होता है। कच्चे केले को धुल लीजिए और सूखने दीजिए। धुल लिया है और अब सुखा लिया है। अब मैं इसको छील कर दिखाती हूँ। इसको एकदम अच्छी तरीके से चाकू से छीलिए। चाकू से छीलेंगी तो अच्छे से, छिलनी से कम छिलता है, ये हरा नहीं होना चाहिए। और अच्छी तरीके से साफ सुथरा छील लीजिए। और ये देखिए मैंने छील लिया है और कढ़ाई को ऑन कर लिया है। और एक कटोरी में आप नमक डाल लीजिए छोटा एक चुटकी, और हल्दी डाल दीजिए। इससे थोड़ा सा जब हम इसमें तलेंगे तो इसको हम डालेंगे। कैसे हम चिप्स कटर से डायरेक्ट बनाते हैं, इसको आप तुरंत काटिए और तुरंत छानिए इसको। ये देखिए स्लो पे कर दिया है। देखिए ये डायरेक्ट ही काटिए कढ़ाही में, और बारीक बारीक, और जब कढ़ाही भर जाए तो आप उसे छोड़ दीजिए। और इसको चलाते रहिए। अब आप तेज फ्लेम कर सकती हैं। और इसको अच्छी तरह पकने के लिए और हल्का सा नमक स्वादानुसार आने के लिए, कलर को फ्लेवर देने के लिए, ये थोड़ा सा मैं पानी डालूँगी, ये पानी वाला। तो ये इसमें झंझनाहट थोड़ा सा जब तक होगा तब तक आपको ये तलना है। ये थोड़ा थोड़ा सा डाल दीजिए। जब तक ये आवाज़ हो रहा है तब तक आप इसको तलिए। इसी तरह आपका ये अच्छी तरीके से ये तला भुना दिखेगा और फ्राई अच्छे तरीके से हो जाएगा। ये देखिए अब ये आवाज़ जब कम हो जाएगा तो समझिए आपका ये बिल्कुल चिप्स क्रिस्पी तैयार है। बिल्कुल ये चिप्स तैयार हो जाएगा। देखिए अब इसको हमको चेक करना होता है। और ये नाश्ते के लिए, और ये फ्लेम आप सिम कर दीजिए। और इसको चेक करना है तो आप चेक कर लीजिए। इसकी आवाज़ हो रही है इसके मतलब अभी कम पका हुआ है। इसको आप तोड़ के देख सकते हैं। हाँ थोड़ा सा और है, ये हो जाए। 3 से 5 मिनट आपको लगेगा। और बिल्कुल बारीक चिप्स है, देखिए बिल्कुल रेडीमेड चिप्स दिख रहा है। और इसके बाद आप इसको सर्व करना है तो इसमें चाट मसाला डाल लीजिए, काली मिर्च डाल लीजिए, बस। और तुरंत चाय के साथ स्नैक के तौर पर आप लोग खाइए। और हमें लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। थैंक यू। हाँ अब देखिए इसमें झंझनाहट, इसमें जो तेल में पानी का झंझनाहट आ रही थी बिल्कुल नहीं है। फुल फ्लेम किया है पर इसमें अब बिल्कुल नहीं आ रहा। इसके मतलब आपका क्रिस्पी चिप्स बिल्कुल तैयार हो गया है। और अच्छी तरीके से अब आप इसको निकाल लीजिए और फ्लेम को बंद कर दीजिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है। आवाज़ भी आने लगी खनखनाहट की। अब देखिए इसमें आप हल्का सा चाट मसाला डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। रोशन कर दिया था। पूरा भर गया है। ये इसमें डाल दीजिए और आप सर्व करिए। देखिए क्या आवाज़ आ रही है, कुरकुरी हो गई बिल्कुल। मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ, देखिए तुरंत आवाज़ सुनिए इसको। देखिए बहुत ही अच्छा हो गया है। इधर दिखाइए। अब इसी तरह आप लोग बच्चों को स्नैक्स बना के शाम को खिलाइए कच्चे केले की। थैंक यू।